अब बात करते हैं अगली एक्सरसाइज की। इस फोटो में आप देख सकते हो एडवर्ड एस्टन बता रहे हैं कि हमको एक झाड़ू लेनी है और झाड़ू में जो कपड़ा प्रेस करने वाली जो मशीन होती है उसका यूज़ करना है और उसके बाद ये एक्सरसाइज करनी होती है। इसमें हमको मेन बात पे ध्यान ये देना होता है कि जो हमने वस्तु पकड़ रखी है, यानी कि यहाँ पर जो उन्होंने झाड़ू दिखा रखी है, इसकी जगह पर हम कोई और चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, और जो आयरन प्रेस है उसकी जगह पर हम कोई पत्थर का भी यूज़ कर सकते हैं, 1 किलो या फिर 1 किलो से जो कम वेट है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। हर व्यक्ति अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इस पत्थर का यूज़ करेगा। इस एक्सरसाइज को आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो हमको क्या लेना है कि एक बाइफर लेना है और 1 किलो भर का जो पत्थर है वो लेना है, जैसा मैंने ले रखा है। वेट ऑलमोस्ट आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से यूज़ कर सकते हो, और एक पन्नी लेनी है, ताकि पन्नी में आप उसको रख लोगे। फिर आप देखोगे कि इस एक्सरसाइज में हमें करना ये होता है कि हमने उस पन्नी को उसमें अटैच कर रखा है जो हमने बाइफर पकड़ रखा है, आप इस वीडियो में देख सकते हो। फिर उसके बाद हमको ये जो बाइफर की जो लंबाई है, इस लंबाई के हमको किनारे पे जाकर हमको होल्ड करना होता है अपने हाथों की ताकत का यूज़ करते हुए। इस एक्सरसाइज का सबसे मेन फैक्टर जो ये है वो ये है कि हमको सबसे दूरी पे जाकर इसको होल्ड करना होता है और होल्ड करना होता है, और उसके बाद इसको नीचे से, ये जो वस्तु जो पत्थर जो नीचे रखा हुआ है इसको नीचे से ऊपर उठाने का प्रयास करना होता है। यही इस एक्सरसाइज का मेन फंडा है, क्योंकि हमें ये एक्सरसाइज बड़ी इलॉजिकल लग सकती है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा लॉजिक है। और लॉजिक ये है कि जब हम इसको बहुत दूरी से पकड़ने का प्रयास करते हैं और पकड़ने के बाद जब हम इसको ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करते हैं, तो फिर वहाँ पर हम सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ का यूज़ करना पड़ता है। क्योंकि जब हम इसको बहुत दूरी से पकड़ने का प्रयास करेंगे और ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे, तो फिर ये जो पत्थर है ये ऊपर की तरफ उठेगा ही नहीं, क्योंकि अभी हम उस एक्सट्रीम लेवल की स्ट्रेंथ पर पहुँचे ही नहीं है कि हम इसको बहुत ही दूरी से पकड़ के ऊपर की तरफ उठा दें। इस वीडियो में जिस प्रकार से मैं इसको ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप देख सकते हो कि मैंने इसको बहुत ही किनारे पर से इस डंडी को पकड़ रखा है, इस बाइफर को मैंने पकड़ रखा है, और उसके दूसरे छोर पर वो जो पत्थर है लगभग 1 किलो या फिर 1/2 किलो के आसपास उसका वजन होगा, तो उस पत्थर को मैं इस तरह से स्ट्रेंथ का यूज़ करते हुए ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन अभी मेरी स्ट्रेंथ लगभग ना के बराबर ही है, क्योंकि यदि इस तरीके से मैं 1 किलो का पत्थर भी नहीं उठा पा रहा हूँ, यानी कि स्ट्रेंथ जो है अभी बहुत ही कम है। तो इस प्रकार से मैं इसको ऐसे उठाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी यह जो पत्थर है ये थोड़ा सा भी ऊपर नहीं उठ पा रहा है, क्योंकि अभी उतनी स्ट्रेंथ है ही नहीं, और जो हमारे जो टेंडन्स है, हमारी जो मसल्स है, इनमें अभी उतनी स्ट्रेंथ आई ही नहीं है कि वह इस तरह से इस शक्तिशाली बल प्रदर्शन को कर सके। ये एक प्रकार से शक्तिशाली बल प्रदर्शन है, क्योंकि जैसे कि अभी जो ओल्ड, ये जो आज के समय के जो स्ट्रॉन्गमैन है, इसमें हम मैंने देखा है कि वह अपने हाथों से जो हैमर जो होता है उसको होल्ड करने का प्रयास करते हैं। तो उसी तरीके से ये एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में जो हम हैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, हमारी जो टेंडेंस की स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाते हैं। तो इस एक्सरसाइज को हम इसीलिए करते हैं, और इसको हम एकदम किनारे से पकड़कर ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम बार बार देखेंगे कि हम इसको ऊपर की तरफ उठा ही नहीं पा रहे हैं। फिर हमको इस एक्सरसाइज में अगला चरण ये करना होता है कि हमने जितनी दूरी से उस बाइफर को पकड़ रखा था, जैसे कि मैंने अभी इसको एकदम किनारे से पकड़ रखा था, अब इसको हम थोड़ा सा आगे से पकड़ेंगे, थोड़ा सा आगे पकड़ेंगे, तो फिर जो पत्थर और जो हमारा हाथ है इसकी जो दूरी है उसमें कमी आ जाएगी, और फिर उसको थोड़ी सी आगे से ला कर पकड़ने के बाद हम उसको ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। जब हम उसको थोड़ा सा आगे से पकड़ कर, उस डंडी को थोड़ा सा आगे से पकड़ कर ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करते हैं, तो फिर जो पत्थर है वो थोड़ा सा ऊपर उठता है, क्योंकि हमने जो दूरी है उस दूरी के गैप को कम कर दिया है, और उस गैप को कम करने की वजह से अब हमको उस पत्थर को उठाना सरल हो जाएगा। इसलिए जब मैंने इसको आगे से करके इसको पकड़ कर ऊपर उठाया, तो फिर यह जो है पहले की तुलना में काफ़ी आसानी से उठ गया। जब मैंने इस डंडी को बहुत ही किनारे से पकड़ रखा था, तो फिर यह नहीं उठ पा रहा था, लेकिन जब मैंने इसको थोड़ा सा आगे की तरफ से पकड़ा और उसके बाद ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करा मैंने, तो फिर यह बड़ी ही आसानी से उठ गया। बड़ी ही आसानी से नहीं, लेकिन मैंने स्ट्रेंथ का यूज़ करा तब जाकर यह उठा है। तो इस एक्सरसाइज में हमको करना यही होता है कि सबसे पहले हम किनारे से पकड़ते हैं, जब वहाँ से नहीं उठ पाता है
मतलब कि कई बार प्रयास करते हैं, उसमें हम स्ट्रेंथ का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद कुछ समय बाद या फिर 2 या 3 मिनट के बाद थोड़ा सा अपने हाथ को आगे की तरफ सरकाते हुए पकड़ने के बाद उसको ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करते हैं। जब कुछ समय तक ऊपर की तरफ हम उठाए रखते हैं, या फिर जैसे कि 1 मिनट तक हमने उठा रखा है या फिर 1 मिनट से भी कम समय तक उठा रखा है, फिर इसके बाद हम अपने हाथ को थोड़ा सा और आगे की तरफ ले जाते हैं। मैंने इस वीडियो में यही करा है, इस एक्सरसाइज में मैंने यही करा है कि हम उसको फिर थोड़ा सा और आगे की तरफ ले जाकर पकड़ते हैं उस डंडे को। और जब हम उसको थोड़ा सा और आगे की तरफ ले जाकर पकड़ते हैं तो फिर उस पत्थर को उठाना और भी आसान हो जाता है, क्योंकि अब जो दूरी है वह और भी कम हो गई है, और दूरी जैसे जैसे कम होती जाएगी उस पत्थर को ऊपर की तरफ उठाना और भी सरल होता जाएगा। तो जब मैंने इसको और भी आगे से पकड़ा और पकड़ने के बाद उसको ऊपर की तरफ उठाया तो फिर उसको उठाए रखना और भी सरल हो गया। इस एक्सरसाइज में हमको यही करना होता है कि हम स्टार्टिंग में सबसे दूरी से इसको पकड़ते हैं, फिर धीरे धीरे जो दूरी है उसको कम करते जाते हैं। और जब आप इसको इस तरीके से पकड़े रखोगे पूरी तरह से दर्द होने लगेगा, फिर उसके बाद अपने हाथ को थोड़ा सा रिलैक्स करके उसको आगे की तरफ से पकड़िए। जब आप उस पत्थर को थोड़ा सा और आगे की तरफ से पकड़ोगे तो फिर वहाँ पर भी इसको पकड़े रखना और भी ज़्यादा सरल हो जाएगा। इस एक्सरसाइज में हमको यही करना होता है। एडवर्ड एस्टन यही बताते हैं कि हमको इसको ऊपर की तरफ होल्ड करके रखना होता है, हाथ को स्ट्रेट करना पड़ता है, और अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करते हुए इसको इस एक्सरसाइज को हम करते हैं। जैसे जैसे हमारा हाथ उस पत्थर वाली पन्नी की तरफ आगे की तरफ बढ़ता जाता है, हमारे लिए उस पत्थर को उठाना आसान होता जाता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा कठिनाई तब होती है जब हमारा हाथ उस वस्तु से बहुत ही दूर होता है। जैसे कि स्टार्टिंग में जो था, मैं उसको पूरी तरह से उठा ही नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे जैसे मेरा हाथ उस वस्तु के नज़दीक आता जा रहा था, मेरे लिए उस पत्थर को उठाना और भी ज़्यादा सरल होता जा रहा था। तो इस एक्सरसाइज को हमको ऐसे ही करना होता है कि हम उसको आगे की तरफ पूरी तरह से उठाने का प्रयास करते हैं, और जितनी स्ट्रेंथ का हम यूज़ करना चाहें उतनी स्ट्रेंथ का हम यूज़ करते हैं। जब आप देखोगे कि मेरा हाथ जो है वह पूरी तरह से थक गया है, तो फिर आप इसी अभ्यास को दूसरे हाथ से भी कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में आपको दोनों हाथ का यूज़ करते हुए इस एक्सरसाइज को करते हुए दिखाया है, और इस एक्सरसाइज को आप स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, अपनी ग्रिप की जो पावर है बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से आपकी हाथों की ग्रिप भी बढ़ती है, फोरआर्म्स पर भी पूरा असर पड़ता है, और तो और शोल्डर पर भी पूरा असर पड़ता है, यानी कि जो हमारा पूरा जो बाजू है उस पर बहुत ही अच्छा खासा असर पड़ता है। और सच में ये एक्सरसाइज जो है वह फ़ायदा दिखाती ही दिखाती हैं, तो हमको रेगुलर इन एक्सरसाइज को करना होता है।